हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, इस बार हम आपके लिए अंतरिक्ष से जुड़े कुछ ना समझ आने वाले फैक्ट्स लेकर इस वीडियो में आए हैं। मैं आपको बताऊंगी अंतरिक्ष के कुछ ऐसे राज जो ना तो हमारी स्कूल की बुक्स में पढ़ाए जाते हैं, बल्कि वैज्ञानिक भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट नंबर वन के साथ। फैक्ट नंबर वन, वी ऑल आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। ये सुनने में काफ़ी काल्पनिक लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आए हैं कि सृष्टि का निर्माण बिग बैंग से हुआ और धीरे धीरे धरती पर जीवन उत्पन्न हुआ। लेकिन नासा ने अपनी न्यू रिसर्च में बताया है कि धरती पर पाए जाने वाले लगभग सभी जीव निर्जीव एक जलते हुए तारे की स्टारडस्ट से बने हैं। वैज्ञानिक कार्ल सगन का कहना है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, कार्बन, ये सभी जलते हुए तारे की कोर में पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर टू, अ ईयर इज शॉर्टर देन डे। गाइज, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई प्लैनेट अपनी धुरी पर घूमते हुए जब एक चक्कर पूरा कर लेता है तो एक दिन कहलाता है, और अपनी एक्सिस के एक चक्कर पूरा करने पर एक साल कहलाता है। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे धीमी गति से घूमने वाला प्लैनेट है। ये अपनी धुरी पर इतना हल्का घूमता है कि जब अपनी ऑर्बिट का चक्कर पूरा कर लेता है तब भी ये अपनी धुरी पर पूरा नहीं घूम पाता। साफ शब्दों में कहें तो इसका एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। वीनस के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती और गिरती रहती है, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं और यहाँ CO2 की रीडिंग्स भी बहुत हाई रहती हैं। नंबर थ्री, हाउ मैनी गैलेक्सीज इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। गाइज, हम यूनिवर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं क्योंकि हम अभी तक इसको जितना समझ पाए हैं वो सब ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ही है। और ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशंस और करंट टेक्नोलॉजी से साइंटिस्ट इसको खंगालते रहते हैं। यूनिवर्स में टेलीस्कोप से भी सिर्फ एक हद तक ही देखा जा सकता है, तो साइंटिस्ट ने हबल टेलीस्कोप इन्वेंट किया। इसके ज़रिए एस्ट्रोनॉमर्स ने जो कैलकुलेशन की वो हमें बताती है कि यूनिवर्स में लगभग 170 बिलियन गैलेक्सीज हैं और ये नंबर भी अप्रॉक्सीमेटली है, तो आप सोचिए कि एक्चुअल नंबर क्या होगा। फैक्ट नंबर फोर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इन द नोन यूनिवर्स। इंसान के दिमाग को एक ऑर्गेनिक सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, मतलब एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसको मशीनी पुर्जे नहीं बल्कि टिश्यूज चलाते हैं। इंसानी दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और क्वाड्रिलियन कनेक्शंस होते हैं। यह हमें सीखने, समझने, सोचने की और हर एक काम को कंट्रोल करने की पावर देता है, और साइंटिस्ट अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी दिमाग को कुछ ज़्यादा नहीं समझ पाए हैं। इंसानी दिमाग यूनिवर्स की हर चीज़ में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट है। नंबर फाइव, यू कैन वॉच द बिग बैंग ऑन योर TV। ये सभी जानते हैं कि यूनिवर्स में पहले कुछ नहीं था, फिर एकदम धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, और इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई ऐसा लगभग 13.7 बिलियन साल पहले हुआ था। इस बिग बैंग को कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन कह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके टीवी में आप इस कॉस्मिक रेडिएशन को देख सकते हैं? बल्कि आप सभी ने देखा भी होगा गाइस, जब टीवी में डिश नहीं आती तो ब्लैक और वाइट डॉट्स आपको दिखाई देते हैं हल्की सी आवाज़ के साथ, लगभग ऐसा ही कुछ कॉस्मिक रेडिएशन कहलाता है। इसको द आफ्टरग्लो ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, अ स्पूनफुल ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार वेट्स अबाउट अ बिलियन टन। गाइज, न्यूट्रॉन तारे बहुत तेज़ गति से घूमते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। साफ शब्दों में कहें तो ये अपनी तेज़ गति से घूमने की वजह से ही बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। ये इतने डेंस होते हैं कि अगर इसके सेंटर से एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का मैटर लिया जाए और उसका वज़न किया जाए तो वो लगभग 1 बिलियन टन के बराबर होगा। इमेजिन कीजिए यदि इसे धरती पर लाया जाए तो धरती का क्या होगा। फैक्ट नंबर सेवन, हाउ मच टाइम टेक्स सन टू ट्रैवल राउंड द गैलेक्सी। गाइज, ये कहा जाता है कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, हर चीज़ अपनी ऑर्बिट में घूमती रहती है। जैसे हमारी अर्थ और सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे ही सूरज भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर मिल्की वे के चक्कर लगाता है, और सूरज को मिल्की वे के एक चक्कर लगाने में 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं। फैक्ट नंबर एट, अ डायमंड साइज्ड लाइक अ प्लैनेट। गाइज, एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा डायमंड खोज निकाला है, और वो इसे BPM-37093 कहते हैं। असल में पूरा एक प्लैनेट है जो के डायमंड का बना है और कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंटोरस से 50 लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर है। इसका नाम आफ्टर द बीटल्स सॉन्ग के नाम पर ल्यूसी रखा गया है। अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है और वजन में करीब 10 बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन कैरेट्स का होगा।